किसी भी राज्य के वित्त मंत्री बैठे, लेकिन फैसला और फैसले के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार तो वित्त मंत्री को आपकी सरकार को ठहराया जाएगा। ऐसे में ये क्यों ना कहा जाए कि जो मिडिल क्लास है इस देश का, उस पर एक के बाद एक तरीके खोज खोज कर मार कर रहे हैं आप लोग। ये 5% टैक्स का इजाफा तो है ना उनके लिए। ये कोविड वाला मामला कब तक चलता रहेगा, टीकाकरण के लिए, उसके बाद लाभार्थी जो आप देते हैं, स्कीम देते रहते हैं, क्या तमाम सरकारें अपने अपने पेट स्कीम को जारी रखने के लिए आम आदमी से टैक्स वसूली कर रही हैं इस देश में। लेकिन आम आदमी के मन में ये आता है कि पहले तो तनख्वाह में ही इतना इतना टैक्स कटता है, उसके बाद से आप जो खाने पीने खरीदने के लिए भी जाए तो ऐसा लगता है कि सरकार सोचती रहती है कि अब किस पर नया टैक्स लगाया जाए। तो ये लीजिए, अब पैकेज फूड है, इस पर टैक्स लगा दीजिए। मतलब अपने अपने पेट प्रोजेक्ट्स को, जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, कोविड खत्म हुआ साहब, कोविड खत्म हुआ तो उसके बाद जो ये आप फ्री राशन पानी ये सब योजनाएं कर रहे हैं, क्या उस पर भी आप इकोनॉमी के नजरिए से सोचेंगे या उन लाभार्थियों को अपने वोट बैंक की तरह आगे रखने के लिए देते रहेंगे इसी तरह से पैसा, और इसीलिए टैक्सेशन में इस देश में इजाफा होता चला जाएगा। बात सिर्फ विपक्ष के विरोध की नहीं है, बात सिर्फ विपक्ष के विरोध की नहीं है, और इसको विपक्ष का सदन में हंगामा से सिर्फ जोड़ के खत्म मत कीजिए। कुछ नया तरीका सोचिए जिससे अमीरों पर टैक्स और बढ़ाया जाए, आम आदमी को राहत मिले। आप लोग ऐसे नायाब आइडियाज क्यों नहीं सोचते हैं सर, जिससे आम आदमी पर, मिडिल क्लास पर मारना पड़े। आपको अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी होता रहे, जो आपको सरकारी काम के लिए चाहिए वो करिए, मिडिल क्लास पर क्यों मार सकते। अनाज, गेहूं, दाल, आप सोचिए कि दूध, दही, लस्सी, छाछ, टेट्रा पैक, जिस पर आधा मिडिल क्लास चल रहा है यहाँ वहाँ, आप सब पर मार कर रहे हैं।